Students, welcome to my class. Today we are going to learn chapter 6, physical features. In physical features, our topic is peninsular plateau. बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 6 और चैप्टर 6 है हमारा अमेजिंग इंडिया. अमेजिंग इंडिया में जो हम लोगों ने अब तक देखा वो था हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इंडिया कैन डिवाइडेड इंडियन फिजिकल फीचर्स कैन डिवाइडेड इन 6 कैटेगरी. इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो 6 कैटेगरी में बटा है. हमारा पहला कैटेगरी था द हिमालयन माउंटेन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया. सेकेंड था द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया. थर्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा. और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू. आज जो हम लोग देखेंगे वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, तो हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू में द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला. इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, जो साउथ का पार्ट है, वो क्या है, एक पेनिनसुला है ना. और अ पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. और पेनिनसुला किसको बोलेंगे, तो पीस ऑफ लैंड मतलब लैंड का वो टुकड़ा जो 3 साइड वाटर से सराउंडेड हो, वाटर से घिरा हुआ हो, तो वो कहलाता है पेनिनसुला. अब हमारा जो साउदर्न पार्ट है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू साउदर्न पार्ट जो है, वो 3 साइड किस तरह से पानी से घिरा हुआ है, तो हम देखेंगे वेस्टर्न साइड. वेस्टर्न साइड क्या है हमारा, अरेबियन सी है. ऑन द वेस्टर्न साइड अरेबियन सी, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल, हमारे जो ईस्ट में वो बे ऑफ बंगाल है, एंड साउथ में है इंडियन ओशियन. जैसे कि हम आपको मैप में दिखा सकते हैं, ये आपका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है ये आपका, मैंने बताया कि वेस्ट में आपका अरेबियन सी है. यहाँ पे देख सकते हो आप, वेस्ट में अरेबियन सी है ना, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और नीचे जो हमारा साउथ में है वो है इंडियन ओशियन. ओके, अब हम लोग देखेंगे द पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू. हमारा जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. यहाँ पे मैं बताती हूँ, देखो ये जो आपका एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है ना. अब हम जानेंगे प्लेट्यू है क्या. तो अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट टेबल लैंड. प्लेट्यू जो है एक फ्लैट टेबल लैंड है विच इज हायर देन द सराउंडिंग एरिया. जो प्लेट्यू हमारा होता है वो अपने अपने सरफेस से, अपने सतह से उठा हुआ होता है, हायर लैंड होता है, बट ऊपर की तरफ वो फ्लैट और टेबल की तरह होता है, इसलिए उसे फ्लैट एंड टेबल लैंड बोलते हैं. नेक्स्ट, रिवर्स गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इन दिस रीजन. और इस क्षेत्र से यानी डेक्कन प्लेट्यू में साउदर्न की तरफ जो नदियाँ बहती हैं उस रीजन में, वो नदियाँ हैं गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी. नाउ 6, इंपॉर्टेंट सिटीज इन साउथ इंडिया आर हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोची. हमारे साउथ की तरफ का जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, जो इम्पोर्टेंट शहर है साउथ में, साउदर्न पार्ट में जो हमारे इम्पोर्टेंट शहर है वो हैं हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड कोची. नेक्स्ट, दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स. तो बच्चों मैं बता दूं कि प्लेट्यू रीजन जो होता है वो मिनरल्स के मामले में काफ़ी रिच होता है. दैट मीन्स कि वहाँ पे मिनरल्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं. नाउ 8, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन आर ऑल्सो फाउंड हेयर. इन क्षेत्रों में, इन साउदर्न क्षेत्रों में टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन काफ़ी देखने को मिलते हैं. 9 इज ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स एंड हिल्स. मतलब हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके साउथ और ईस्ट में क्या है, माउंटेन्स और हिल्स हैं. इस साइड माउंटेन और हिल्स हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट. ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.